आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे पिछले वाले जो वीडियो हमने बनाया था बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000 उसमें कमेंट किया था और कमेंट करके लिखा था कि 30,000 रुपये के आसपास में जितने भी लैपटॉप हैं उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन जो हमको मिल रहा है क्या हम उससे थोड़ा सा और अच्छा कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप हम ले सकते हैं, लेकिन हम प्राइस भी जो है 35,000 से हम ऊपर देना नहीं चाहते, यानी कि 35,000 के आसपास में जो सबसे बेस्ट लैपटॉप है वो आप हमको बताइए। तो इस वीडियो में आप जानेंगे बेस्ट लैपटॉप अंडर 35,000 जो कि आप पैसा वसूल लैपटॉप है। अगर आपका बजट जो है 35,000 रुपये का है यानी कि 35,000 का है तो 35,000 के अंदर में जितने भी जो बेस्ट लैपटॉप हैं वही लैपटॉप में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि मार्केट में देखा जाए या ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे लैपटॉप आप देखोगे जिसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही लो रहता है या फिर बहुत ही पुराने आउटडेटेड रहते हैं लेकिन उसका प्राइस बहुत हाई रहता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये लैपटॉप अच्छा है या लैपटॉप बुरा है। तो आज मैं इस वीडियो में वही आपको लैपटॉप बताऊंगा जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर पे है, जो कि नए नए लैपटॉप लॉन्च हुए हैं और जिसका कस्टमर फीडबैक अच्छा है। तो आइए देख लेते हैं टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000 to 35,000 रुपीज़। फिफ्थ नंबर पर जो लैपटॉप है वो है अविता की तरफ से आने वाला लैपटॉप, और ये लैपटॉप आपको क्यों लेना चाहिए वो रीज़न मैं आपको मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहला बात, इस लैपटॉप में आपको जो है 2 साल की वारंटी मिलती है जो कि इस प्राइस रेंज में यानी कि 35,000 के प्राइस ब्रैकेट में किसी भी और ब्रांड के कंपनी के साथ जाओगे तो उसमें आपको जो है 1 साल का ही वारंटी मिलता है। किसी किसी केस में आपको जो है एडिशनल 1 ईयर का वारंटी मिलता है लेकिन उसमें भी बहुत ही टर्म एंड कंडीशन जो है ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन इस लैपटॉप में जो है आपको जो है टोटल फुल 2 ईयर का वारंटी मिलता है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा लैपटॉप जिसमें मुझे जो है ज़्यादा वारंटी का कवरेज चाहिए तो बेशक आप इस लैपटॉप को आप कंसिडर कर सकते हो। प्लस इस लैपटॉप में और एक खास बात यह है कि वो ये है कि इसमें जो है i3 इंटेल की तरफ से आने वाला i3 का प्रोसेसर है और उसके साथ जो इसका बैटरी बैकअप है वो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोग ने कमेंट करके पूछा था कि हमको ऐसा लैपटॉप बताइए जिसमें बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा हो, तो इस लैपटॉप में आपको जो है बैटरी बैकअप आपको जो है बहुत ही अच्छा यानी कि 8 से 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप बहुत ही आसानी से मिल जाए। अविता की तरफ से आने वाले इस लैपटॉप में अगर डिस्प्ले की बात करें तो 14 इंचेस का डिस्प्ले है, प्रोसेसर इसमें इंटेल की तरफ से आने वाला i3 8th generation का प्रोसेसर है, 4GB का रैम और स्टोरेज के लिए 256GB का SSD इसमें लगा हुआ है। बैटरी बैकअप इसमें 9 घंटे आपको आराम से मिल जाएगा और इसमें पहले से ही विंडोज 10 प्री इंस्टॉल मिलता है। फोर्थ नंबर पर जो लैपटॉप है वो है आसूस की तरफ से आने वाला लैपटॉप, और ये लैपटॉप किन लोगों को लेना चाहिए या फिर किन लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है वो सबसे पहले आप जान लीजिए। देखो जो लोग जो है अपने बजट सेगमेंट के अंदर में रहते हुए वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, जो लोग यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बनाते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए वीडियोज़ बनाते हैं, फोटोशॉप में काम करते हैं, जो है छोटे मोटे ग्राफिक डिजाइनिंग वाले काम करते हैं और उनको जो है बजट के अंदर में रह के अपना लैपटॉप खरीदना होता है, तो बेशक आप जो है आसूस की तरफ से आने वाला इस लैपटॉप को आपको खरीदना चाहिए। अब क्यों खरीदना चाहिए, क्यों मैंने आपको कहा कि या अगर आप जो है वीडियो एडिटिंग वाले काम या फिर फोटोशॉप वाले काम करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो है इसमें लगा हुआ रैम। इसमें जो आपको जो है 3200 फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ का रैम लगा हुआ होता है जो कि अपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में रन होता है। इसके साथ साथ इसमें आप जो है अप टू 12GB तक रैम को आप अपग्रेड कर सकते हो, और इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक एक्स्ट्रा स्लॉट दिया गया है जिसमें आप जो है अलग से इन फ्यूचर अगर आप चाहो तो अलग से हार्ड डिस्क ड्राइव लगा सकते हो अपने स्टोरेज को बढ़ाने के लिए। अगर ओवरऑल देखा जाए अपने बजट सेगमेंट के अंदर में 35,000 के अंदर में बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। अगर आपको जो है प्रोडक्टिविटी वाले काम करने हैं, वीडियो एडिटिंग वाले काम करने हैं जिसमें कि जो देखो जो भी वीडियो एडिटिंग वाले काम यानी जो हेवी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें जो है रैम जो है वो ज़्यादा जो है मेगाहर्ट्ज़ जो है कंज्यूम करता है, तो अगर आपका भी काम ऐसा है तो बेशक आप जो है ऐसे लैपटॉप लो जिसमें जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में रैम रन होता है उस लैपटॉप में, तो वही लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। आसूस की तरफ से आने वाले इस लैपटॉप में अगर डिस्प्ले की बात करें तो 14 इंचेस का डिस्प्ले है, प्रोसेसर इंटेल i3 10th generation का लेटेस्ट प्रोसेसर इसमें दिया गया है, 4GB का रैम और 256GB का इसमें SSD लगा हुआ है जो कि NVMe वाला SSD है। बैटरी बैकअप इसमें आपको 6 घंटे तक आराम से मिल जाएगा और उसमें पहले से ही आपको विंडोज़ 10 और ऑफिस प्री इंस्टॉल आपको मिल जाएगा। थर्ड नंबर पर जो लैपटॉप है वो है लेनोवो की तरफ से आने वाला लैपटॉप है, और इस लैपटॉप को क्यों लेना चाहिए वो रीज़न मैं आपको मैं बता रहा हूँ। देखो इस लैपटॉप को लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें आपको जो है 8GB का रैम आपको देखने को मिलेगा जो कि इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही कम लैपटॉप ऐसे हैं जो कि अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको 8GB रैम ऑफर करते हैं। इसके साथ साथ इसमें इंटेल की तरफ से आने वाला i3 10th generation का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, इसमें आप अप टू 12GB तक रैम को आप अपग्रेड कर सकते हैं, प्लस इसके साथ साथ इन फ्यूचर अगर आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा आपको जो है
हार्ड डिस्क ड्राइव हटा के आप जो है SSD भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो है 1 TB का हार्ड डिस्क ड्राइव इसमें लगा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अपने लैपटॉप से अच्छा परफॉर्मेंस और निकालूं और मेरा लैपटॉप और फास्ट हो जाए, तो इन फ्यूचर आप जो है अपने हार्ड डिस्क ड्राइव को हटा के इसमें SSD भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका लैपटॉप जो है और भी बहुत ही फास्ट आपका हो जाए। इसके साथ साथ इस लैपटॉप में आपको जो है फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा, यानी कि 0 से 80% ये 1 घंटे में चार्ज कर देता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि फील्ड में काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, जिनको जो है लैपटॉप जो है बहुत जल्दी चार्ज करना पड़ता है, ट्रैवलिंग करते हैं, तो उनके लिए ये लैपटॉप सबसे बेस्ट रह सकता है। अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ, अच्छे प्राइस के साथ ये लैपटॉप आप ले सकते हैं। लेनोवो की तरफ से आने वाले इस लैपटॉप में अगर डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंचज़ का डिस्प्ले है। प्रोसेसर इंटेल की तरफ से आने वाला i3 10th जनरेशन का प्रोसेसर है। 8 GB का रैम और 1 TB का हार्ड डिस्क ड्राइव इसमें लगा हुआ है। बैटरी बैकअप इसमें आपको 5 से 6 घंटे आपको आराम से मिल जाएगा, और उसमें पहले से ही विंडोज 10 प्रीइंस्टॉल आता है। इसके बाद जो मैं आपको जो है दो लैपटॉप बताऊंगा, वो दोनों ही लैपटॉप HP की तरफ से आते हैं, और दोनों के ही दोनों लैपटॉप लेटेस्ट नए लैपटॉप हैं और पूरा पैसा वसूल लैपटॉप हैं, जिनका बजट जो है 30,000 रुपये के आसपास में है, और वो 30,000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं। वो नंबर 2 वाला जो लैपटॉप अभी मैं बताऊँगा वो आँख बंद करके ले लो, और जिनका बजट जो है 33,000-34,000 तक जा सकता है और वो इससे थोड़ा सा और अच्छा कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं, तो बेशक आँख बंद करके नंबर 1 वाला जो लैपटॉप बताऊँगा HP की तरफ से आने वाला वो वाला लैपटॉप ले लो। दोनों का ही कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम है, दोनों में क्या फर्क है हर चीज में आपको मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखते रहना। देखो नंबर 2 में जो लैपटॉप है इसी साल लॉन्च किया हुआ लैपटॉप है, और इस लैपटॉप में आपको जो है इंटेल की तरफ से आने वाला N4500 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि इसी साल 2021 में लॉन्च हुआ है। अब बात करते हैं इसमें जो रैम जो लगा हुआ है वो 2933 फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ का रैम लगा हुआ है, जो कि अच्छा स्पीड में चलता है, जो कि आप देखोगे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप अगर आप जो है चलाओगे या फिर कोई सॉफ्टवेयर चलाओगे या फिर लैपटॉप को जब ऑन करोगे बूट टाइम जो रहेगा वो सब बहुत ही कम रहेगा, और जो भी प्रोसेसिंग स्पीड आपको जो बहुत ही फास्ट देखने को मिलेगा। अप टू 16 GB तक रैम आप अपग्रेड कर सकते हो। इसके साथ साथ इसमें जो स्टोरेज जो लगा हुआ है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला M.2 NVMe SSD लगा हुआ है, यानी कि जो स्टोरेज जो लगा हुआ है बहुत ही फास्ट है, यानी कि नॉर्मल जो SSD जो आता है उससे भी बहुत फास्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा M.2 NVMe वाला SSD में। HP के इस लैपटॉप में आपको जो है 8 GB का रैम आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत ही कम लैपटॉप में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इस लैपटॉप में आपको जो है Alexa built-in का भी फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आप जो है वॉइस कंट्रोल से अपने लैपटॉप को आप जो है ऑपरेट आप कर सकते हैं। अगर आप एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहते हैं, लेटेस्ट नए लैपटॉप जो लॉन्च हुआ है उसके साथ जाना चाहते हैं, नया प्रोसेसर जो लॉन्च हुआ है उसके साथ जाना चाहते हैं, यानी कि सब कुछ नया, तो बेसिक आपको जो है नंबर 2 वाला ये वाला जो HP वाला लैपटॉप है, अगर आपका बजट 30,000 रुपये का है आँख बंद करके ये वाला लैपटॉप ले लो। HP की तरफ से आने वाले इस लैपटॉप में अगर डिस्प्ले की बात करें तो 14 इंचज़ का डिस्प्ले है। प्रोसेसर इंटेल की तरफ से आने वाला N4500 का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। 8 GB का रैम है। स्टोरेज के लिए 256 GB का SSD इसमें लगा हुआ है। बैटरी बैकअप इसमें आपको जो है 7 घंटे तक आपको आराम से मिल जाएगा, और इसमें पहले से ही विंडोज 10 और ऑफिस प्रीइंस्टॉल आपको मिल जाता है। हमारे लिस्ट में नंबर 1 में जो लैपटॉप है वो है HP की तरफ से आने वाला लैपटॉप है, और ये लैपटॉप आपके लिए जो है पैसा वसूल लैपटॉप है। और ये क्यों आपके लिए पैसा वसूल लैपटॉप है ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है। देखो इस लैपटॉप में जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है, इससे पहले वाले हमने जो नंबर 2 वाले जो लैपटॉप बताए थे उसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका कॉन्फ़िगरेशन लगभग सब सेम है, बस इसमें प्रोसेसर का फ़र्क है। नंबर 2 वाले में जो लैपटॉप जो था उसमें आपको जो है इंटेल की तरफ से आने वाला N4500 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता था, लेकिन इसमें उससे भी अच्छा प्रोसेसर है जो नंबर 1 वाला जो लैपटॉप है, इसमें आपको इंटेल की तरफ से आने वाला N6000 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि इसी साल लॉन्च हुआ नया लेटेस्ट प्रोसेसर है। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि भाई नंबर 2 वाला जो लैपटॉप है और नंबर 1 वाला जो अभी मैं जो बता रहा हूँ दोनों का लगभग कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है, सिर्फ जो है प्रोसेसर इसमें अच्छा दिया हुआ है, तो कितना अच्छा प्रोसेसर है उससे, ठीक है ना। तो देखो नंबर 2 वाला जो लैपटॉप मैंने जो बताया HP का, उसमें आपको जो है इंटेल 4500 का प्रोसेसर है, और ये वाला जो नंबर 1 वाला जो लैपटॉप है इसमें इंटेल की तरफ से आने वाला N6000 का प्रोसेसर है, जो कि पिछले वाले लैपटॉप से 10% ज़्यादा फास्ट है, यानी कि 10 गुना ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा अगर आप जो है सिर्फ 3 से 3,500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करते हो और नंबर 1 वाला ये HP वाला लैपटॉप लेते हो। तो अगर आपका बजट 30,000 रुपये है उससे ऊपर आप नहीं बढ़ सकते हैं, तो बेशक आपको जो है नंबर 2 वाला इस लिस्ट में जो लैपटॉप है वो वाला आप आँख बंद करके ले लो, और अगर आप जो है 3 से 3,500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं और उसमें आपको प्रोसेसर भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा,
इसके साथ साथ इस लैपटॉप में आपको बैटरी बैकअप भी उस दो नंबर वाले लैपटॉप से थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल जाएगा। जो नंबर टू वाला जो एच पी वाला लैपटॉप था उसमें आपको जो है 7 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, इसमें आपको जो है 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, यानी कि 1 घंटा थोड़ा ज़्यादा अच्छा बैटरी परफॉर्मेंस नंबर वन वाले लैपटॉप में है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपका बजट अंडर 35,000 रुपीज़ का है और आप एक अच्छे ब्रांड के साथ नए टेक्नोलॉजी के साथ, तो बेशक आप आंख बंद करके एच पी की तरफ से आने वाला ये वाला लैपटॉप ले लो। इसमें जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है सभी के सभी नए कॉन्फ़िगरेशन है, और जो कॉन्फ़िगरेशन आपको ये ऑफर कर रहा है अंडर 35,000 में, इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको किसी भी और लैपटॉप में देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो एच पी की तरफ से आने वाला ये नंबर वन वाला लैपटॉप आपके लिए पैसा वसूल लैपटॉप है। एच पी की तरफ से आने वाले इस लैपटॉप में डिस्प्ले की बात करें तो 14 इंच का डिस्प्ले है, प्रोसेसर इंटेल की तरफ से आने वाला N6000 का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, 8GB का रैम और 256GB का M.2 NVMe SSD का सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बैटरी बैकअप इसमें 8 घंटे आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा, और इसमें भी आपको पहले से ही विंडोज 10 और ऑफिस प्री इंस्टॉल मिल जाता है। इस वीडियो में हमने आपको जितने भी लैपटॉप के बारे में बताया है सभी का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से हर एक लैपटॉप का मॉडल नंबर प्राइस हर चीज़ आप जानकारी ले सकते हो, प्लस उसको जो है घर बैठे आप अमेजोन से भी आप खरीद सकते हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में।